अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कलर्स ऑफ लाइफ विद सलीम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पानी की कमी इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और कहते हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पर ही होंगी। दुनिया के तमाम ममालिक पानी के संगीन मसले को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसके हल के लिए मुख्तलिफ कोशिशों में लगे हैं। सबसे अहम काम पानी की वेस्टेज को कम करना है और यही वजह है कि आज दुनिया में तकरीबन तमाम ही ममालिक अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हैं। वो अपने मुल्क में डैम्स बना रहे हैं, वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो पानी की वेस्टेज कम होती है और दूसरा ये जो वाटर डैम्स होते हैं और वाटर रिजर्वायर होते हैं इसके ज़रिए आप नहायत चीप यानी नहायत सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जर्मनी में भी छोटे बड़े डैम्स का एक जाल सा बिछा है और यहाँ पे यही वजह है कि यहाँ वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी दुनिया के कई ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर है और जिससे ये ना सिर्फ वाटर स्टोरेज को बहुत बेहतर लेवल पर रखते हैं बल्कि इसके साथ साथ ये नहायत चीप यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा मकदार में बनाते हैं। एडरज़े जर्मनी का तीसरा बड़ा डैम एडरज़े जो कि जर्मनी के सूबे हेसन के नॉर्थ में रिवर एडर पर कायम है, आज हम लोग वहां आए हुए हैं। थोड़ा सा मुख्तसर मैं आपको एडरज़े की तारीख बताता चलूं। एडरज़े डैम जो है ये सन 1908 में बनना शुरू हुआ था और 1914 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी। और यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि दूसरी जंग अजीम में जब ब्रिटिश तैयारों ने जर्मनी पे हमला किया था तो गालिबन 13 मई को एक बमबारी के दौरान इस डैम को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा था जिससे पानी जो है आसपास की आबादियों में दाखिल हो गया था और तकरीबन 30 किलोमीटर का इलाका जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था।
इसके आर्किटेक्चर पे बात करें तो ये डैम जो है वो कुल 11.8 किलोमीटर स्क्वायर रकबे पर कायम है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 199.3 मिलियन क्वाड्रेट मीटर, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और इसकी आर्किटेक्चरल हाइट जो है वो है 48 मीटर, और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जर्मनी का तीसरा बड़ा डैम है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एडर्ज़े सिर्फ एक डैम ही नहीं बल्कि एक पब्लिक एक पिकनिक रिजॉर्ट भी है। यहाँ पर बोटिंग, सेलिंग, डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स, फिशिंग सभी होते हैं और डेली यहाँ पे हज़ारों लोग विजिट इसको करते हैं और यहाँ पे अपना डे स्पेंड करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ ये एडर्ज़े डैम की सैर को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं इस वक्त बोटिंग कर रहा हूं और जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया है यहां बड़े रूल्स के तहत सब काम करने होते हैं तो उसी रूल्स के तहत मैं बोटिंग की कोशिश कर रहा हूं और ख़ुद भी इंजॉय कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को भी खूब इंजॉय कराऊँ।
व्यूअर्स, रात के वक्त ये डैम कितना कलरफुल नज़र आता है। मैं ख़ुद तो कभी रात के टाइम इस डैम को विज़िट करने नहीं आया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आऊँगा भी, लेकिन इस वक्त ये डैम के बाहर एक पिक्चर में ये नहायत कलरफुल लाइट्स आप देख सकते हैं। बहुत हसीन मंज़र इस वक्त दिख रहा है कि रात को ये कितना खूबसूरत लगता है। व्यूअर्स, आपने एक टिकट में दो मज़े तो सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो में दो मज़े कराता हूँ। इस वक्त मैंने आपसे अपनी एक वीडियो में कहा था पिछली कि जर्मनी में एक से एक तारीखी किले भी मौजूद हैं, तो इस वक्त मैं एक और तारीखी किले आया हूँ और जिसको कैसल ऑफ वाल्डेक कहते हैं, यानी वाल्डेक का किला। अच्छा, इस किले की एक तारीखी पूरी एक कहानी है और यह किला सन 1120 में कायम हुआ था, यानी आज से ठीक 900 साल पहले, और इन 900 सालों के दरमियान ये किला मुख्तलिफ सकाफतों के ज़ेरे असर रहा और कई दफ़ा इस किले ये तबाह हुआ और कई दफ़ा दोबारा ये रेनोवेट हुआ। तो आइए देखते हैं आज ये किला किस शक्ल में। जब भी हम किसी तारीखी इमारत को विज़िट करते हैं तो ये दर हकीकत सिर्फ एक विज़िट ही नहीं होता बल्कि उन तमाम अदवार का रिव्यू भी होता है जिनसे गुजर कर ये तारीखी इमारत आज इस शक्ल में होती है। तो जब तक हम ये तमाम अदवार, वो तमाम आर्किटेक्चर को रिव्यू नहीं करेंगे, हम इस किस्म की तारीखी इमारत को, इसके विज़िट को सही तौर के ऊपर ना इंजॉय कर सकेंगे ना समझ सकेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पिछली तमाम वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय ऑल वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।